जी सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी शादी हो गई है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गोल्ड दिया है और कुछ गोल्ड मेरा है, मेरे मायके से है। तो मेरा भी इतना नहीं है कि वो ज़कात अदा हो सके, और मेरे हस्बैंड का जो उनका है वो ज़कात नहीं अदा हो सकता है। तो जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तुम्हारा अदा करो, मैं मेरा अदा करता हूँ, तो ना उनका इतना है कि वो अदा कर सकते हैं अकेले, ना मेरा इतना है कि मैं अकेले अदा कर सकती हूँ। लेकिन कहा जाता है कि औरत का तो दोनों तरफ से औरत का ही होता है, तो दोनों मिला के हो सकता है ज़कात। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बताइए कि आपके शौहर ने जो आपको दिया है वो क्या महर में तो नहीं दिया है? जी नहीं, वो मेहर नहीं है महर नहीं है। तो जी। आपके शौहर ने आपको जो दिया है क्या सिर्फ पहनने के लिए दिया है कि पहन के मुझे वापस कर देना? जी, मेरे शोहर का ऐसा इरादा है कि वो जो तुम पहन रहे हो तो वो तुम्हारा नहीं है, वो जब मैं चाहूंगा मैं बेच सकता हूँ उसको, तुम नहीं कुछ कर सकते। हाँ देखिए, अगर शौहर अपनी बीवी को कोई चीज हदिया तोहफा देता है तो हदिया तोहफा देने का मतलब ये होता है कि हम जिसको देते हैं वो चीज उसकी हो गई। और एक जी होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं मगनी देना। हमने किसी को कोई सामान दिया, कहा भाई आप इसको वक्ती तौर से इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये सामान आपका नहीं है, मैं इसको वापस ले लूंगा। तो अगर हम इस तरह देते हैं कि ये मैं सिर्फ इस्तेमाल के लिए दे रहा हूं, तब जाहिर है वो आपका नहीं है। लेकिन अगर आपके शौहर ने आपको गिफ्ट किया है, जैसे कि आपके वालिद ने दिया है, आपके वालिद ने दिया है आपको गिफ्ट किया है, वो आपका हो गया। अब अगर आपके शौहर ने भी आपको गिफ्ट कर दिया तो वो आपका हो गया। अब ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। अगर आपके शौहर ने गिफ्ट किया है तो अलग अलग करके दोनों को नहीं देखेंगे, दोनों को एक साथ करके देखेंगे, क्योंकि दोनों आपका हो गया। लेकिन अगर आपके शौहर ने कहा है कि भाई बस इसको पहनने के लिए दे रहा हूं, बाकी ये जो है मेरी मिल्कियत है, ये तुम्हारा नहीं है, मैं जब चाहूं ले लूं, अगर ऐसा दिया है उन्होंने, तो जाहिर है वो फिर आपकी मिल्कियत नहीं होगी, बल्कि आपके शौहर की मिल्कियत होगी। और जो आपके वालिद ने आपको गिफ्ट किया है वो आपका होगा। तो जो आपका है आपको सिर्फ उसी की जकात निकालनी है। जो आपके शौहर का है उसकी जकात आपके शौहर को निकालनी है। और ऐसी सूरत में दोनों का निसाब भी अलग अलग देखा जाएगा। अगर वो गोल्ड है तो आपके शौहर पर उसी वक्त जकात वाजिब होगी जब वो 85 ग्राम होगा, और आप पर भी उसी वक्त जकात वाजिब होगी जब आपके वालिद साहब ने जो आपको गिफ्ट किया है वो 85 ग्राम या उससे ऊपर होगा, तभी उस पर जकात वाजिब होगी। लेकिन यहां पर एक बात और आप याद रखें कि जैसे फर्ज कीजिए आपके शौहर के पास 50 ग्राम गोल्ड है, वो 85 ग्राम होगा तो निसाब को पहुंच जाएगा। 50 ग्राम गोल्ड है, 50 ग्राम गोल्ड निसाब को नहीं पहुंच रहा है, जकात उसमें वाजिब नहीं हो रही है, लेकिन साथ में उनके पास 5 लाख रुपया भी है। फर्ज कीजिए उनके पास 2 लाख 5 लाख रुपया भी है, तो ऐसी सूरत में रुपया और गोल्ड दोनों को एक साथ मिला करके जोड़ेंगे आपके शौहर, या आपके पास भी अलग से अगर रकम है नकदी तो उसको भी आप उसके साथ मिला करके उसका निसाब देखेंगी। अगर दोनों मिला करके निसाब को पहुंच जा रहा है और साल गुजर जा रहा है निसाब की हालत में, तो जकात निकालना होगा। जी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि मेरे शौहर का जेवर जो दिए मुझे वो मैं ही पहन रही हूँ, लेकिन मैं उसको बेच नहीं सकती, मेरा हक नहीं है मतलब बोलने का, वो जो है भाई जिम्मेदार वही है, आप आप तो क्लियर इसमें कोई गुनाह बताइए, नहीं है। आप क्लियर बताइए, क्या उन्होंने कहा है कि ये गोल्ड तुम्हारा नहीं है, मैं सिर्फ पहनने के लिए दे रहा हूं, क्या ऐसा जी उन्होंने कहा हाँ है? तब वो जी, आपका उन्होंने नहीं बोला, है। जी उन्होंने बोला कि ये मैं बेच सकता हूँ, तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरा चीज है, ऐसा बोले उन्होंने। हाँ ठीक है, फिर वो आपका नहीं है, फिर तो क्लियर हो गया। लेकिन उनको जी कहिए कि वो इस तरह से क्यों दे रहे हैं, बीवी को दे रहे हैं सिर्फ पहनने के लिए, वो उनको कहिए इसे मुझे गिफ्ट कर दीजिए, सिर्फ पहनने के लिए क्यों दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई भाई? हाँ मुमकिन है शेख, बहुत सारी चीजें आज समाज में हैं, चल रही हैं, लोग तो छोटी छोटी चीजों में भी हिसाब किताब करने लगे हैं। लोग अरे भाई, दिमाग अगर रखते हैं। कोई सोने का जेवर दे रहे हैं बीवी को तो उसको गिफ्ट कर दीजिए, क्या उसमें परेशानी है?
नहीं, आज एक मुश्किल हालात ये आए हुए हैं, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि डिसएग्री हो और ये उनको तकलीफ वाली बात हो। समाज में आज ये चीजें चल रही हैं कि गिफ्ट दे दिया उन्होंने, रोजाना कोई तलाक ले रहा है, कोई खुला ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस सूरत में अगर वो इंसान बचने के लिए इस तरह कुछ किया हो तो हो सकता है ये सोच बजाय। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता है लेकिन ऐसा होता है। और ये बाज दफा ये चीज माकूल भी होती है। बाज दफा कैसे माकूल होती है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे कोई आदमी है, माशाल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होना, एक दूसरे को हदिया तोहफा देते रहना, ये चीज मतलूब है। लेकिन बाज लोग क्या करते हैं, वो अपनी जिंदगी की जितनी पूंजी है वो मोहब्बत में, मोहब्बत करना मतलूब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी जो है मोहब्बत में बीवी के नाम कर दिया। और उनसे जब पूछा जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं खैर हुकुम ले अहली ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए सबसे बेहतर हो, इसलिए मैंने पूरी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर दिया है। कल को पहली बात तो जिंदगी में ही वो खाली हाथ हो गया, ना तो अपनी मर्जी से खर्चा कर सकता है, ना अपनी मर्जी से अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब या कहीं भी वो कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता है। कल को इत्तेफाक से कई केसेस में ऐसा होता है कि मियां बीवी के दरमियान कोई मसला हो गया, और होता रहता है बहुत सारे मसाइल में, तलाक हो गई। अब जब तलाक हो गई तो जो करोड़ों की प्रॉपर्टी खैर हुकुम ले अहली के तहत उसने अपनी बीवी को दे दिया था, अब जो है वो कोर्ट की चक्कर लगा रहा है, बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए हमारी शरीयत ने एतदाल में रहने को कहा है, नफरत में भी एतदाल, मोहब्बत में भी एतदाल। जब एतदाल से आप हटेंगे तो बाद में मसाइल खड़े होंगे। बीवी से मोहब्बत करना, उसको हदिया तोहफा देना, इतना देना कि वो खुश रहे, राजी रहे, ये सारी चीजें मतलूब हैं। लेकिन आदमी को जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो दूसरे हुकूक हैं उनको अदा करना भी जरूरी होता है, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल हम लोगों की गुफ्तगू दूसरी तरफ निकल गई। बहन से हम अर्ज ये कर रहे थे कि अगर आपके शौहर ने ऐसा कहा हुआ है कि वो मेरा है आपका नहीं है, तो फिर वो आपकी मिल्कियत नहीं मानी जाएगी। लेकिन गोल्ड जाहिर है जेवर है, कोई छोटी मोटी चीज होगी, उनको चाहिए कि वो बीवी को दे दें और वो बीवी की मिल्कियत हो जाए। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकअल्लाह खैर। शेख, इसी हम लोग एक स्ट्रीम करते हैं फैमिली मैटर्स काउंसलिंग, उसमें एक सवाल इस तरह से एक गुफ्तगु हुई थी उसमें कि एक आदमी दुबई में कमाता रहा, कई मतलब जिंदगी लगा दिया उसने, और सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम या अपनी बीवी के नाम, बच्चों के नहीं तो बीवी के नाम करता रहा, और फिर उसके बाद यहाँ आया तो न बच्चे उसको पूछ रहे हैं न बीवी, बीवी ने तलाक खुला करके सारे रास्ते उनके क्लियर कर दिए, तो अब वो मांग करके खाने पर मजबूर है। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पर मैंने जिक्र किया। भाई हमारी शरीयत हमसे ये नहीं कहती है, ये शरा हम ये तो नहीं कह सकते कि ये नाजायज है, क्योंकि भाई आपकी आपका माल है, आप जिसको चाहे दें, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अलबत्ता ये जरूर कहेंगे कि ये बेहतर नहीं है। आप जो है जो कमा रहे हैं वो आपका है, और आपके पीछे आपके बच्चे हैं, आपके साथ आपके माँ बाप हो सकता है बाहयात हो, आपके दूसरे अज़्ज़ा व अक़ारिब हैं, आपकी दूसरी जरूरियात हैं, तो बाद में ऐसा ना हो कि एक हक को अदा करने के चक्कर में बाकी दूसरे तमाम हकों के, यहाँ तक कि अपने जो नफ्स का हक है उसको भी आप मार बैठे। हमारी शरीयत इसका इस चीज को मुस्तहसन करार नहीं देती है, बिल्कुल भी नहीं। और मुतअद्दिद केसेस ऐसे आते हैं, मुझे मालूम है आपने बात ऐसे ही नहीं की है, ऐसे मुतअद्दिद केसेस सामने आते हैं जिसमें इस तरह की परेशानी होती है।